मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग डे 2 इन पॉन्डिचेरी और आज हम जा रहे हैं टू विटनेस अ ब्यूटीफुल सनराइज ऑन अ बीच क्वाइट अर्ली अभी इट्स अराउंड 5:15 इन द मॉर्निंग एंड आई एम अ बिट रेडी टू गो टू द बीच तो आज है प्लान भीगने का सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर द बीचेस ऑफ पॉन्डिचेरी डे 2 और हम जा रहे हैं टू विटनेस अ ब्यूटीफुल सनराइज going to Paradise Beach. So come along, let's go. टाइम हो रहा है 6:21 एंड द सन इज ऑलरेडी अप बिहाइंड मी यू कैन सी द ब्यूटिफुल सनराइज ऑन द बीच ये पैराडाइज बीच है जो ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर्स दूर है हमारे हॉस्टल से बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल बीचेज इन पॉन्डिचेरी और चलो अभी बीच पे जाते हैं इट्स ऑलरेडी सनराइज लेट्स गो तो यहाँ पे आपको एंट्री फी पे करना है गाइस ओनली ऑन सैटरडेज एंड संडेज अगर आप सुबह आते हो सो इट्स 70 rupees पर पर्सन सो बिहाइंड मी दिस इज सैंड ड्यून्स पैराडाइज बीच और अभी हम एंटर कर रहे हैं फिर हम कल भी आए थे वी केम हियर फॉर सनसेट तो एक्चुअली दिस इज़ द बीच वेयर यू कैन सी बोथ द सनराइज एज वेल एज द सनसेट दिस इज़ लाइक अ कम्प्लीट पैकेज और क्लीन भी है काफ़ी बीच प्लस यू ऑल्सो गेट टू डू अ लॉट ऑफ वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज अर्ली मॉर्निंग पॉन्डिचेरी में घूमने का मज़ा ही अलग है गाइस बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है आफ्टर 8 o'clock आफ्टर 9 o'clock सो करेंटली इट्स 6:30 सो यहाँ पर भी खाली है बहुत ज्यादा मन कर रहा है
सुबह हम गए थे टू पैराडाइज बीच और काफ़ी टाइम हमने स्पेंड किया ऑन द बीच. वी विटनेस्ड अ वेरी ब्यूटिफुल सनराइज और अभी इट्स अराउंड ब्रंच टाइम. द टाइम इज 11:42. और किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे लंच भी अच्छा हो. यार लेट्स गो. वी आर हैविंग नारियल पानी. तो यहाँ पे आपको काफ़ी जगह नारियल पानी मिलेगा पीने का बिकॉज यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है दैट यू हैव टू हैव नारियल पानी. और यहाँ किसी के पीछे देख रहे हो यहाँ पे इतने सारे क्वान्टिटीज में कोकोनट्स हैं एंड इट्स सो फ्रेश. एक कोकोनट जो है इट्स फॉर 30 रुपीज एंड द साइज ऑफ द कोकोनट इज एक्चुअली ह्यूज. जो हमारे सिटीज में 45-50 रुपीज में मिलता है वो यहाँ पे 30 रुपीज में मिल रहा है. इट्स एक्चुअली वेरी नाइस. रेस्टोरेंट और इस होटल का व्यू काफ़ी अच्छा है इसलिए काफ़ी लोग रेकमेंड करते हैं फॉर लंच. सो या बिहाइंड मी इज अ रॉक बीच विच इज़ वन ऑफ द फेमस बीचेस इन पॉन्डिचेरी. लेट्स गो एंड हैव सम फूड. काफ़ी भूख लगा बिकॉज सुबह भी हम लोग ने काफ़ी टाइम बीच पे स्पेंड किया था और काफ़ी खेला एक्चुअली. सो इट वॉज रियली गुड बट अभी काफ़ी ज़्यादा भूख लग रहा है एंड इट्स ऑलरेडी ब्रंच टाइम. The sea view that you get from Ajanta Hotel and it's quite a pretty view. अंदर बैठे क्या ना बस यहाँ पे बाहर नहीं बैठ सकते. या अंदर जाके देखते कि इनके मेन्यू में क्या है और खाना कैसे. तो अजंता में जो था रूफ टॉप सिटिंग विल स्टार्ट आफ्टर 6 PM सो वी कैन गो देयर इन द इवनिंग. तो अभी हम लोग जा रहे हैं विला शांति. इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन देन डेफिनेटली यू शुड चेक विला शांति. इट्स अ वेजिटेरियंस पैराडाइज. लेट्स सी. वेजिटेबल रिसोर्टो. फूड इज हियर और काफ़ी अच्छा क्वान्टिटी भी लग रहा है. सो द वाइट सॉस पास्ता अलॉन्ग विद द पिंक सॉस इज़ फॉर अराउंड 350 रुपीज़. मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या इंग्रीडियंट्स है. तो देर इज़ चीज़, देर इज़ राइस, ऑल्सो देर इज़ सम गुड अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स हियर. रियली एक्साइटेड टू ट्राई दिस डिश. फूड हियर इज रियली गुड. पास्ता इज़ ठीक ठाक बट ये जो था वेजिटेबल रिसोर्ट हो वो काफ़ी अच्छा है. खाना तो अच्छा ही है यहाँ पे पर यहाँ पे जो हॉस्पिटैलिटी है द वे दे आर वेलकमिंग यू अगर आप कुछ भी मांगते हो द वे द हॉस्पिटैलिटी इज गोइंग ऑन हियर इज़ एक्चुअली रियली गुड. तो पॉन्डिचेरी में आपको काफ़ी सारे ये हैंडीक्राफ्ट स्टोर्स दिखेंगे. जो यहाँ के लोकल्स हैं वो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनाते हैं एंड देन देर आर सच शॉप्स, वेरी क्यूट शॉप्स जहाँ पे इनको बेचा जाता है. सो वी आर हियर एट वन ऑफ दीज हैंडीक्राफ्ट शॉप्स. दिस इज़ राइट इफ़ यू वॉक फ्रॉम द रॉक बीच. तो ऑन द वे है एंड लेट मी शो यू कि क्या क्या है यहाँ पे. सो देर आर लॉट ऑफ ब्यूटिफुल हैंडमेड थिंग्स. यहाँ पे कुछ कोस्टर्स हैं. दीज आर वॉल हैंगिंग्स. दीज आर की चेन होल्डर्स, वेरी क्यूट. आई एक्चुअली बॉट वन ऑफ देम. ओके और यहाँ पे कुछ हैंडमेड कैंडल्स भी है. दे आर ऑल स्मेलिंग ब्यूटिफुल. सेफ्टी लेते पाते हैं.
यहाँ पे कुछ हैंडमेड ब्रेसलेट्स भी हैं आउट ऑफ शेल एंड आई गॉट दिस वन फॉर माई सेल्फ. Hey guys, behind me, आपको दिख रहा है ये है कैफे द आर्ट्स. काफ़ी सारे लोग फोटोज क्लिक करते हैं बिकॉज इट्स ब्यूटिफुल. मैं यहाँ पे आई हूँ अर्ली मॉर्निंग, इट्स अ मंडे, इट्स अ वीक डे, इसलिए यहाँ पे कम भीड़ है, वरना यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है. एंड बिहाइंड मी यू कैन सी सम ब्यूटिफुल आर्ट वर्क डन. तो ये काफ़ी फेमस कैफ़े है, मैंने अब तक ट्राई नहीं किया है बट वी आर प्लानिंग टू गो टुडे. तो आई विल लेट यू नो हाउ इज़ द फूड. बट या यहाँ पे आपको हमेशा भीड़ दिखाई देती है एंड अ लॉट ऑफ पीपल क्लिक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स हियर. अभी हम जा रहे हैं पॉन्डिचेरी के एक और बीच पर. ये है अ ब्लू फ्लैग बीच विच इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीचेस इन इंडिया. देर आर ओनली टॉप 10 क्लीन बीचेस और इनमें से एक है. सो लेट्स सी कि वाकई में इतना क्लीन है. एंड या अभी सनराइज़ का तो टाइम निकल चुका है, इट्स अराउंड 7:30 AM. सनराइज़ ऑलरेडी हो चुका है, लेट्स गो.